जय हिंद दोस्तों, आज हम बॉक्सिंग के बैंडेज पहनना बताते हैं, उसके फायदे क्या क्या हैं और बॉक्सिंग की बैंडेज कैसे पहनना है, देखना और कैसा बैंडेज होना चाहिए, माउथ गार्ड कैसा होना चाहिए, बैंडेज कैसा होना चाहिए, ये आप लोग देखिएगा। ये बॉक्सिंग का बैंडेज है, बॉक्सिंग बैंडेज करीब 2.5 मीटर का है, ये देखिए ये कितना ज़्यादा है, तो 2.5 मीटर का बैंडेज है। बैंडेज ऐसा होना चाहिए जो इलास्टिक हो, जो खिंचता हो बैंडेज। इससे क्या है कि पंच अगर बंद कर रहे हैं, टाइट हो रहा है तो हम पंच मारते हैं तो क्या है कि लगता नहीं है, चोट नहीं लगता है, कट नहीं लगता है, तो इसीलिए बैंडेज ऐसा लेना जो स्ट्रेचेबल हो, ठीक है। और माउथ गार्ड होता है, इलास्टिक होता है, गम का होता है, रबर टाइप का होता है, उसको गुनगुने पानी में 10 सेकेंड गुनगुने पानी में रखो, फिर दांत पे सेट करो, टीथ पे दांत पे सेट करना है, उससे क्या है पूरा एकदम परफेक्ट बैठेगा। पहले आज बैंडेज कब बांधते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम माउथ गार्ड का डालेंगे। बैंडेज ऐसा लेना है इलास्टिक हो, स्ट्रेचेबल हो, ठीक है। अब कैसे पहनते हैं ये आपको बताते हैं। वो जो फिंगर वाला है उसको तब बांधना जब फाइट हो, नहीं पे ऐसे ही अगर डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली बांध के यूज़ करोगे तो फिंगर पे गैपिंग होगा, और ऐसे जब क्लोज करोगे फिंगर तो गैपिंग दिखाई देगा बीच में, तो वो नुकसान होगा आपका, वो आर्मी में नहीं लिया जाएगा या फिर अदर नौकरियों में भी नहीं लिया जाएगा। और अगर नॉर्मल प्रैक्टिस करना है, अभी प्रैक्टिस के लिए ऐसे बांधो, फाइटिंग के लिए हम बताएंगे, ठीक है। थैंक यू। जब भी बैंडेज पहनते हैं तो इधर से स्टार्ट करते हैं, ये है ये जो बंधा हुआ है, इधर से इसको नीचे करेंगे, ये थंब में लगेगा, अंगूठे में लगेगा, इसको फंसाना अंगूठे में, ये इसको नीचे बांधते हैं, ये 3 बार हम अपने कलाई पे घुमाएं, 1, 2 एंड 3। उसके बाद हम ये किए, अब अंगूठे में घुमाएं, ऐसे घुमा के ये अंगूठे पे लाए, ये अंगूठे पे ले आए, ये लाए अंगूठे पे, मेरा वीडियो आ रहा है। इसके बाद हम ऐसे घुमा के अंगूठे पे ले आए, ये आ गया। अब इसके बाद नकल पे ले जाएंगे, ये इसे घुमा के ये नकल पे ले गए, ये नकल पे, और फिर से स्टार्टिंग करना है, एक बार और नकल पे घुमा देना है, बंध गया। अब इसके बाद फिर से रिस्ट पे लेना है, कलाई पे, एक बार ये घुमा दिए ऐसे, उसके बाद फिर से अंगूठे में ये घुमा दिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, ज़्यादा ढीला भी नहीं करना। इसके बाद फिर नकल पे ये घुमा दिए, फिर से रिस्ट पे ये घुमा दिया ऐसे, ये आ गया ये। अब ऐसे ये बच रहा है तो पूरा ऐसे कलाई पे घुमा सकते हो, ये आके बन गया, ये इधर से। अब मान लीजिए ये उल्टा हो गया, इधर से ये चिपकाने वाला जो है ये नीचे हो गया, तो हमको सीधा करना है, या ऐसे या यहाँ पे उल्टा हो गया, ऐसे बांध रहे हैं, ये मान लीजिए ये नीचे हो गया, तो इसको घुमा के ऐसे घुमा के नीचे बांध सकते हैं, ये नीचे आ सकता है, ये बन गया बैंडेज। लेकिन इसको ऐसे ही हमेशा हमारी ये खुल रहा है, ये ठीक है, ये हमारा बॉक्सिंग बैंडेज हो गया, बन गया। यहाँ पे जब भी फाइट करेंगे यहाँ पे कट नहीं लगेगा, अंगूठे पे इसलिए वहाँ बांधना है कि फ्रैक्चर नहीं होगा, अगर यहाँ पे थंबे नहीं बांधेंगे तो फ्रैक्चर हो सकता है। रिस्ट पे बांधना जरूरी है, क्योंकि अगर हम पंच मारेंगे तो आप हमारी कलाई ऐसे मुड़े ना, सीधा पंच मारेंगे, ये हमारा परफेक्ट हो गया, ये बन गया पूरा, ये देखिए नकल पे है, ये पूरा बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये प्रैक्टिस के लिए हो गया और फाइट के लिए भी है, और नेक्स्ट आपको बताएंगे फाइटिंग बैंडेज कैसे बांधते हैं, जो फिंगर में फंसा के होता है उसको बताएंगे कि फाइटिंग वीडियोस, उसको हमेशा प्रैक्टिस नहीं ऐसे ही करना है, जब भी बांधना है